गाइस क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन जो कि ब्लू कलर का है वो इंडिया के अंदर तो ऐसा दिखता है, लेकिन फॉरेन के अंदर बेसिकली अमेरिका के अंदर, फॉरेन में भी नहीं अमेरिका के अंदर, वो रेड कलर का दिखता है। और ना जाने ऐसे कितने कार्टून होंगे जो बाकी के कंट्री में कुछ और दिखते हैं और इंडिया में कुछ और। बट आप लोग अपना फेवरेट कार्टून मुझे बताना। मेरा तो भाई ऑब्वियसली है शिनचैन एंड डोरेमोन ही है। तभी मस्ती को ज्यादा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास डोरेमोन नहीं है। ओके सो ये वीडियो फैक्ट माइंडेड की है, सो लेट्स सी किसके अंदर क्या होता है। ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। ज़ूटोपिया आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ, वो एक जानवरों का शो है। ये बंदा क्या कहना चाह रहा है ये बता दो कोई मुझे। टेक टू। क्यों सिर्फ एक न्यूज को दिखाने के लिए ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। एक्चुअली मैं क्या, मुझे ये नहीं पता था। मैंने ज़ूटोपिया मूवी देखी है पहले भी, लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा हुआ था उसके अंदर। क्या जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप नहीं मानोगे। आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया। उसको अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े। ओके ओके चलो अभी देखते हैं वो वीडियो। नंबर 1 डोरेमोन। अब लेकिन डोरेमोन भाई, डोरेमोन तो सबसे बेस्ट है। डोरेमोन को कैसे बोल सकते हैं जिसने हमारे बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत पॉपुलर, वो गैजेट्स मुझे आज भी चाहिए, बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है। और इसी वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें। और इंडियन बच्चों का क्या होगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, इंडियन बच्चों का क्या होगा? इंडियन बच्चों का कुछ नहीं, रहने दो ऐसे ही। और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच। oh, और जापनीज येन बन गए डॉलर। और यही येन बन गए डॉलर। ओके ऐसे छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए हैं, लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है, ना कि अमेरिका से। हाँ भाई हाँ, ये बहाना मार देने का, ये शो की रियल फील इससे ही मिलती है, लेकिन इंडियंस का क्या। डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम बिग जी, उसकी बहन जी का लिटिल जी, लिटिल जी टेमी, शिवाजी का सुबी और डेकी सुगी का एस। और अगर मैं आपसे पूछूं डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है, तो आप में से सारे ही लगभग जियान। आपको पता है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। अच्छा आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। मुझे सुनाओ भाई, सुनो। यस भाई, ये तो भाई मैं सोचता रहता था कि हमारे स्कूल में कौन है ऐसा बंदा सबको परेशान करता ही है, लेकिन जापानीज में कैसा है? इस गाने का जापानीज वर्जन। व्हाट भाई ये क्या है? एक्चुअली आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। देखो इंडिया का जियान सुरीला है। नंबर 2 टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी मूवी के इस सीन में बज़ लाइटियर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग को दिखाया जाता है, लेकिन कई देशों में उस अमेरिकन फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि बज़ लाइटियर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता, और हर देश का अलग अलग झंडा लगाते तो उससे पैसे और टाइम ज्यादा खर्च होता, जिससे बचने के लिए मूवी में दिमाग की बत्ती जलाई और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया को लगा दिया, जिससे ना तो हर देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई। वो अच्छा किया इन्होंने, सारे देश आते हैं। और टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर्स वुडी और बज। ओ भाई, अगर फिल्म डायरेक्टर जॉन लैसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता। ओके भाई, आप लोगों में से किस किस ने देखा है टॉय स्टोरी? भाई मेरी सबसे फेवरेट मूवी सीरीज में से एक है टॉय स्टोरी 1, 2, 3 एंड 4। भाई एपिक है, मतलब उनकी स्टोरी। नंबर 3 इनसाइड आउट। इनसाइड आउट ये भी अच्छी है। इनसाइड आउट से मैंने देखी मूवी में राइली के पापा राइली को ब्रोकली खिला रहे होते हैं, जो वो खाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि जापानीज वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन अरे हाँ, क्योंकि तरह ब्रोकली को हेट करने की बजाय जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं। भाई तभी शिनचैन भागता था, तभी तो, लेकिन मेकर्स तभी तो शिनचैन शिमला मिर्च खाता है। पापा के डिवाइड सॉकर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉकर भले ही फेमस हो पर अमेरिका में आइस हॉकी फेमस सौकर, है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो इंडिया में क्रिकेट को क्यों नहीं दिखाया? नंबर 4 मॉन्स्टर्स। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है। यही ए, ये कौन सी है भाई? मॉन्स्टर्स। ओके मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी मूवी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। पर क्यों इस सीन में जो छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर जब कपकेक्स बनाता है तो उस पर
बी माई पैल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश वर्ल्ड का पैल, उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इस सीन को हर लैंग्वेज में चेंज करने लगे तो ये कपकेक्स भी कम पड़ जाते हैं, एनिमेशन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसीलिए मेकर्स भाई ये सही है यार, इसी तरह साइंस या अप मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल देते हैं। जहाँ इनके पास रास्ता होता है वहाँ ये डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रशिया में टॉय स्टोरी का रशियन नाम, और पूरी मूवी में जहाँ भी इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। ये सही है, ये वाला भाई मैं सॉरी यार, मैं बहुत ज्यादा रोकता हूँ, बट हाँ ये चीज भाई मैंने ये चीज देखी है एक्चुअल टॉय स्टोरी की मूवी में। okay, वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नंबर 5 पोकेमॉन। बचपन में हम सभी के फेवरेट कार्टून्स में से एक पोकेमॉन को तो हम सभी जानते हैं। अब इस एनिमे के इस सीन के बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था उसे राइस बॉल ही कहा गया था, लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया। Jelly filled donut. You look kind of down, Ash. Huh? Have a donut. That always cheers me up. मतलब कुछ भी भाई, किस बच्चे से डोनट मान लेंगे, है ना? मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। अब देखो इंग्लिश डब में ये घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था क्योंकि भाई इंडिया में भी राइस बॉल्स को जानते ही कौन है। नंबर 6 ज़ूटोपिया। गाइस जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब ज़ूटोपिया से ज़ूटोपिया कर दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में ज़ूटोपिया से ज्यादा पॉलिस। मेरे लिए सारी एनिमेटेड मूवीज अच्छी है क्योंकि मुझे पसंद आती है तो भाई अच्छी है, ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें दो एंकर हैं, एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम, दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल क्यों इतना पैसा खर्च करना भाई, क्यों ये किया? अलग करेक्टर्स यूज किए गए हैं क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था, न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम, और इंडिया में क्या चीज को चेंज कर दिया है। फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था, और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में क्या, इंडिया में क्या, चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं पांडा चाइना में ठीक है उनके ही है, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में बताओ। हाँ, ये पता है मुझे, ये चीज होती है चाइना वाली, लेकिन भाई इंडिया का क्या होता। नंबर 7 कार्स। कार शो में इंडिया किधर है, वो हर जगह पर चलेगा भाई एक्सेंट में बात करता था। कोई नहीं, कार्स अभी देखते हैं, कार्स वाला भी अच्छी मूवी थी, कार्स 2 भी आई थी, कार्स 3 भी आई थी, अलग-अलग एक्सेंट में। जेफ कॉर्बेट नाम का एक कैरेक्टर है जिसे कंट्रीज के हिसाब से उनके फेमस रेसर से चेंज किया गया है। ओ ऐसा, स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाता है फर्नांडो अलोंसो, इनके 2 times Formula 1 चैंपियन अलोंसो ने दी है। और चाइना में तो ये कार पूरी एक चलती फिरती चाइना का फ्लैग ही बन जाती है। okay? इसी मूवी की फ्रेंचाइजी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्लेन्स, जिसमें अलग अलग देशों में पूरे 11 वेरिएशंस हैं। जैसे रशिया में ये तानिया है, जर्मनी में इसका नाम हाइडी है, ब्राजील में ये कैरोलिना है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ ही आपको डिफरेंट कलर्स में भी नजर आएगी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनको डिफरेंट क्यों बनाया गया है। इसका रीजन वही है, रिलेटिविटी, क्योंकि लोग किसी भी चीज से जितना रिलेट करेंगे वो उतना ही ज्यादा चलेगी। नंबर 8 स्पॉन्जबॉब। स्पॉन्जबॉब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसे हम अपने बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है, जैसे इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है और घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर पर होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में उतना भी नॉर्मल नहीं है। जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरे ही तरीके से चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स के क्लोथ्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इसलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसे गाउन में दिखाया जाता है। नंबर 9 रैकेट मिंटी। ये है मिंटी, ये कौन सा है भाई, ये है मिंटी, ये चीज मैंने नहीं देखा, ये वाला चीनी कैसे बन गई तू? और लगेंगे भी क्यों नहीं अगर इनके स्किन टोन और हेयर कलर को भी बदल दिया जाए भाई। इन्हें डिफरेंट, और भाई ये चीज मैंने नहीं देखी, इसको नहीं देखा मैंने।
भी क्यों नहीं, अगर इनके कभी भी और पता नहीं यार, को भी बदल नहीं देखा तो मैंने? आप इन्हें डिफरेंट कैरेक्टर मुझे याद नहीं है कि उसके अलावा भी आपका ये कहना गलत होगा कि ये एक ही मूवी यानी रैकेट रॉल्फ की एक ही शख्सियत है, बस एक दुनिया भर वाला मूवी देखना पड़ेगा मुझे। और दूसरी स्पेशली जापान के लिए बनाई गई मिंटी साकुरा, जिसे आप रैकेट रॉल्फ गेम में एंटर करने के बाद ये सोचने में जाता है कि मिंटी जाकी के मेकर्स खासकर जापान के फेमस एनिमेशन लेजेंड हायाओ मियाज़ाकी को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, लेकिन इस चीज से जापान को कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरा ही बदल दिया और उसका नाम उन्होंने मिंटी साकुरा रख दिया। और मिंटी साकुरा किसे काफी अलग दिखती है भाई, साकुरा बहुत एपिक नाम है। इंडिया में मुआना, तो इटली में ओशियाना, में वायना, पर इंडिया में तो मुआना ही है। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, मुआना की इस मूवी को इटली में ओशियाना नाम दिया गया है क्योंकि मुआना वहाँ की एक फेमस अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस का नाम था। मुआना नाम से लोगों को लगेगा शायद ये मूवी उस एक्ट्रेस पर बहुत लॉस हो सकता है, इसीलिए उसका नाम ही चेंज कर दिया। साथ इटली में मुआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो वो नहीं चाहते थे कि मूवी को रिलीज करने में कोई लीगल प्रॉब्लम आए। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी मुआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज करके वॉयना रख दिया। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे नॉर्मली इंडिया में। दोस्तों ये थे कुछ कार्टून जो बाकी कंट्रीज में, सही थे। थिएटर में लोग ज्यादा इंडिया में जाते नहीं है कार्टून मूवीज सोच के, एनिमेटेड मूवी नहीं देखते, इसके लिए शायद नहीं उन्होंने चेंज किया हो, बस शायद आगे सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट हाँ, आप लोग अपना ओपिनियन बताना मुझे कि कैसा है लगा आपको ये वीडियो। हाँ, मैंने डोरेमोन को रेड बना दिया, मुझे लगा कि रेड है क्योंकि थंबनेल में था। कम ऑन, क्लिक करो उस वीडियो पे।